अक्सर लोग वजन बढ़ने पर परेशान होते हैं और उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाते हैं, लेकिन उसके लिए अहम यह है कि जब आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हों तो आपको हर उस खुराक पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो आप रोज़ाना खाते हैं। रोज़ाना 3 वक्त का खाना खाने के अलावा आपको हर उस हल्की पुल्की खुराक को भी देखने की ज़रूरत है जो आप सारा दिन खाते रहते हैं। खाने के दौरान भूख लगने की वजह से आप गैर ज़रूरी कैलोरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेहतमंद और हल्की फुल्की ग़िज़ा का इंतखाब करें, क्योंकि गैर सेहत बख्श हल्की फुल्की ग़िज़ा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। जब लोग वज़न कम कर रहे होते हैं तो वो मुनासिब हल्की फुल्की ग़िज़ा का इंतखाब करने में नाकाम होते हैं। माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि हल्की फुल्की ग़िज़ा में फाइबर स्नैक्स लिए जाएँ, क्योंकि इससे भूख नहीं लगती। भूख मिटाने के लिए ज़रूरी है कि आप हल्की फुल्की ग़िज़ा लेते रहें, क्योंकि जब आपको मुकम्मल तौर पर भूख लगती है तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं। हर खाने से पहले मनसूबाबंदी ज़रूरी है, वो इसलिए कि आप मुनासिब मकदार के साथ हल्की फुल्की ग़िज़ा या स्नैक्स का इंतखाब कर सकते हैं। और ये सिर्फ स्नैक्स के लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि आप अपनी खुराक के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने वज़न को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो खाने के लिए ना जिएं, बल्कि जीने के लिए खाएं। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।